नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हाजिर में एक लेटेस्ट लीगल वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी आपकी BSF से है। पोस्ट का नाम है लॉ ऑफिसर। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आप देख सकते हैं करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग वाले सेक्शन से ऑफिसर ग्रेड सेकेंड एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2023, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 12 जून 2023। यहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही साथ अप्लाई करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इसके हेड्स में देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑनलाइन डिटेल एडवर्टीजमेंट। नेम ऑफ द पोस्ट, लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकेंड डिप्टी कमांडेंट। ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिसमें से UR के लिए 5 वैकेंसी है, वहीं OBC के लिए 1 वैकेंसी है। EWS, SC, ST के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल होगा लेवल 11 का होने वाला है, यानी आपकी जो सैलरी होगी 1 लाख प्लस होने वाली है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो वो है आपकी 40 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। फर्दर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल रहेगा। आप इसी नोटिफिकेशन से चेकआउट कर पाएंगे। आप यहां से देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एज अंडर। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, वेदर 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। वहीं इसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट लीगल फील्ड में, दैट मीन्स प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। और अगर आपने LLM कर रखा है, यानी मास्टर्स इन लॉ, तो आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट लीगल फील्ड में। डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डीलिंग विद ट्रायल अंडर स्पेशल लॉ रिलेटिंग टू आर्म फोर्सेज एज वेल एज रिलेटेड कोर्ट केसेस। यहाँ पे इन्होंने PST के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो मेंशन किया हुआ है, साथ ही साथ मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होगा, यहाँ पे आई साइट वगैरह सब कुछ मेंशन है। आप डिटेल से इस एडवर्टीजमेंट से चेकआउट कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे 3 फेजेस में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन है, सेकेंड फेज में आपका PST होना है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वहीं थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू होना है। तो फर्स्ट फेज में जो है यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं आपके। जो आपका फर्स्ट पेपर होना है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, वो MR बेस्ड होगा। यहाँ पे आप स्कीम देख सकते हैं पेपर की। रीजनिंग रहने वाली है आपकी GK GS इंग्लिश रहेगा, 25 क्वेश्चन की रीजनिंग रहेगी, 25 क्वेश्चन GK GS से रहेंगे, वहीं 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, और 25 मार्क्स, 25 मार्क्स एंड 50 मार्क्स। टोटल टाइम की बात करें तो वो होने वाला आपका 2 आवर्स। सेकेंड पेपर की बात करें जो कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट पे होगा, यानी डोमेन सब्जेक्ट की जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है लाइक लॉ के सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें आपका जो है सीरियल नंबर फर्स्ट और सेकेंड पे देख सकते हैं। जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है पहला वो एक ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सब्जेक्टिव होगा, यानी रिटन और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। 60 क्वेश्चन रहेंगे MCQ बेस्ड 90 मार्क्स के। वहीं जो आपका सब्जेक्टिव या रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें मीडियम आंसर टाइप के 5 मार्क्स से ईच क्वेश्चन रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 10 है। वहीं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स ईच, और ये 4 क्वेश्चन आने वाले हैं 50 मार्क्स के यहाँ से रहेंगे और 60 मार्क्स के यहाँ से। टोटल टाइम है इसके लिए आपका 3 आवर्स का। तो ये हो गया स्कीम सेकेंड पेपर के लिए जो कि आपका डोमेन टेस्ट है, और फर्स्ट पेपर जो कि इन जनरल होगा आपका 100 मार्क्स का, और यहाँ पर ये होगा 200 मार्क्स का। देखिए, यहाँ पर सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है, जो आपका पेपर सेकंड है प्रोफेशनल या डोमेन टेस्ट होने वाला है। आप डिटेल्स यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, IPC हो गई, CRPC हो गई, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुट ऑफ होने वाले हैं सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पर सिलेबस इन्होंने मेंशन कर रखा है। फर्दर यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे आपके 50% रहने वाले हैं इन केस ऑफ UR, OBC एंड EWS एंड 45% इन केस SC एंड ST। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन होगा उसमें, उसके बाद उनको कॉल किया जाएगा सेकेंड फेज के लिए, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट और PST के बाद उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, फॉलोड बाय डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है।
और जो आपका इंटरव्यू होना है या पर्सनालिटी टेस्ट जिसे आप कह रहे हैं, ये 30 मार्क्स का रहेगा। जो आपकी फाइनल मेरिट है वो प्रिपेयर की जाएगी, जो आपने स्कोर किया है रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में। बात करें हाउ टू अप्लाई, यानी आपको अप्लाई कैसे करना है, जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग डेट है 14/5/2023, यानी ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट है 12/6/2023। इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने सेंटर की लिस्ट प्रोवाइड की है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके नोटिफिकेशन में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।